रहे। तो किसे पता था कि जिस लड़की को ऐसा कहा जाता था कि वो लड़की परिवार का नाम डुबो देगी, वो आगे जाके स्वर कोकिला कहलाएगी। तो हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर जी की, जिनकी आज 94th बर्थ एनिवर्सरी है। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो लता जी ने 50,000 से ज्यादा गाने गाए, कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो उन्हें ना मिला हो। फिर भी वो कहती थी कि उन्हें दोबारा जन्म मिले तो वो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी, क्योंकि उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा। एक समय उनकी आवाज को पतली कह के उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया था। एक बार मास्टर हैदर अली ने लता जी की मुलाकात प्रोड्यूसर मुखर्जी से करवाई, जो उन्होंने लता को काम देने से इनकार कर दिया। मुखर्जी ने कहा, इस लड़की की आवाज बहुत पतली है। इस पर मास्टर हैदर अली ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस लड़की के पैरों में गिरकर अपनी फिल्म में गाना गाने की विनती करेंगे। पैसे की कमी की वजह से स्टूडियो पैदल जाती थी लता जी। करियर के शुरुआती दिनों में लता जी घर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो पैदल जाती थी। गानों की रिकॉर्डिंग करने के बाद वो खाली टाइम में भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही बैठी रहती थी। दिन भर बिना कुछ खाए वो पूरा दिन गुजारती थी। वजह ये थी कि उनके पता ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कैंटीन भी होता था। और दूसरी वजह ये थी कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो खाने की कुछ वस्तु खरीद सके। आपको बता दें कि बीमार महबूब खान को फोन पर सुनाया गीत 1958 में फिल्म मेकर महबूब खान को अमेरिका में हार्ट अटैक आ गया था। जब लता जी उनका हाल पूछने के लिए उन्हें कॉल लगाया तो महबूब खान ने लता जी का गाना सुनने की इच्छा जताई और लता जी ने उन्हें रसिक बलमा गीत सुनाया। उनके इस गीत से महबूब खान की तबीयत में भी सुधार जरूर हुआ था। तो ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहें OTT इंडिया।